तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे ब्रोस में। मैं हूं आपका दोस्त सैम। सो गाइस, बहुत लंबे समय के बाद आज हम जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे, अल्मोड़ा से यानी इंडिया से नेपाल की तरफ। देखते हैं कैसा रहता है वहां का ट्रिप। और तो हम जा रहे हैं आज कार पे और हमारे साथ चार पांच हमारे फ्रेंड्स लोग हैं। मेरी ये है, देखिए शुभम भाई से नेपाल जा रहे हो, मेट बन के मत आना बस। ये हमारे दीपू भाई है, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। राम रो बनियो, राम रो बनियो। और ये हमारे वैभव हैं, ये भी चल रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो। लेकिन ये नहीं आ रहे हैं, ये इनका कुछ काम पड़ गया तो ये नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो ज्यादा वेट ना करते हुए सीधे चलते हैं हमारे सफरनामे पे। छोटे से निकल गए हैं हम, कार नीचे खड़ी है शिखर के पास, यहाँ से पैदल जाएंगे। ये है कार हमारी जिसका हम जाएंगे, ये सामान लोड हो रहे हैं। और ये आंसू भाई, तो ये बैठ गए हम गाड़ी में और पीछे देवा भी बैठ चुके हैं। ये हमारे आंसू भाई आ गए हैं और वो पीछे दीपू भाई। अब यहाँ से शुरू करते हैं हमारा सफरनामा। ये बैग किसका? ये मेरा है। ये हमारा बजट डाल, 5000 डाल। अच्छा, बस चलो डाल देते हैं। तो चलते हैं भोले का नाम लेके हर हर महादेव। ठीक क्या करेगा लेकिन। जलाल से नीचे को आ गए हैं और ये पान लेके रखा है आशीर्वाद ने। तो भाई साहब, हम क्या कहते हैं कारप से ना, कारप से हमने लेफ्ट ले लिया है रामगढ़ की तरफ। वहां से वो तो जाएंगे क्योंकि जो मेन वाला हल्द्वानी अल्मोड़ा वाला रास्ता है वो थोड़ा खराब हो रहा है, तो यहाँ से हमने टर्न लिया। दोस्तों, हम कैची पार करके ऊपर पहुंचे हैं। रामगढ़ का रास्ता है, बड़ा मतलब लंबा सफर हो गया है और यहाँ पे थापा जी ने हमें ज्वाइन किया है। यहाँ से हम 5 लोग हो गए हैं। ये है थापा जी, इन्हें हमें ज्वाइन किया है यहाँ से। वाह यार। और अब यहाँ से हम हल्द्वानी की तरफ निकलेंगे। सबके तरफ निकल रहे हैं यहाँ से, सब बैठ रहे हैं तैयार होके। और ड्राइविंग सीट पे हल्द्वानी से चेंज कर लेना, मैं पीछे आ जाऊंगा। हाँ, ड्राइविंग करेंगे थापा जी। सीट आगे किसका लूं? यहाँ पे हमारा नाश्ता आ गया था और ये भुक्कड़ इंसान जैसे, इनको किसी चीज का वेट नहीं होता। देखो ये ठूस ठूस के खाते हैं। अभी चाय भी आने वाली है और हमारे वैभव सर ये बेचारे सुबह से। और ये अब हम भीमताल पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये है ताल भीमताल और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। मच्छी भी है, मगरमच्छ भी है। अंदर बैठे बैठे
दोस्तों हम रानीबाग के पास पहुंच गए हैं। बड़ी लेट लग गई क्योंकि जाम बहुत लगा हुआ है रास्ते में। 5 बजे निकले थे और 7 बजे, 7:15 हो गया है। जाम जाम 2.5 घंटे हम फंस गए जाम में ही। तो अभी हल्द्वानी भी है, ठीक से पहुंचे नहीं है। वैसे हम हल्द्वानी से पहले कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। तो अब ये जाम थोड़ा गाड़ियां खुले तो हम जरा जल्दी निकले, वरना हम कचरे के चाल से चल रहे हैं। देखते हैं आगे कितना समय और लगता है। हमने काठगोदाम से ले लिया लेफ्ट, हम हल्द्वानी नहीं जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे सीधे गोलापार होते हुए। लेकिन गर्मी बहुत है। दोस्तों हालत हो चुकी है पतली और हम पहुंचे हैं अभी खटीमा। समय हो चुका है 10:10। आगे का सफर अब हम कल शुरू करेंगे। अब यहाँ के होटल देखते हैं रुकने के लिए, कि रात भी होगी और थकान भी सभी को लग गई, तो अभी कोई ड्राइव भी नहीं करना चाहता। बहुत लंबा रन अप हो गया, तकरीबन 200 किलोमीटर के ऊपर कर दिया हमने कवर। अब कल सुबह शुरू करेंगे। गाड़ी हमने यहाँ पीछे पार्क कर दी, बाकी सब ये है। अब देखते हैं होटल कहीं पे, फिर वहीं रुकते हैं और आपको उसी जगह चलते हैं होटल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ खटीमा में होटल ले लिया है ना, यहाँ हम चेक इन कर रहे हैं। 2 रूम लिए हैं, मैं रूम दिखाता हूँ आपको। करिश्का रेस्ट हाउस नाम से है रूम, एक हमें साथ में मिल नहीं पाया, अलग अलग रूम मिले हैं दोनों। वही देखो इनका फ्रेशनिंग की तैयारी कर रही है। ये हमारा रूम है, मैं रूम टूर देता हूँ पहले आपको। पंखा लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, बाथरूम ये बेड है। रूम अच्छा है वैसे, रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रूम में ये लिया है और दूसरा रूम ये है, लगभग सेम ही है, कोई ऐसा वो नहीं है अलग। तो हालत तो बहुत खराब हो चुकी है और सबको नींद आ रही है, थकान भी लग गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब खाना वाना खा के रेस्ट करा जाए और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं इसे। कल की जर्नी फिर आगे की कल शुरू करेंगे। और जुड़े रहिएगा बंजार ब्रोस के साथ और देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स। कल का सफरनामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हम इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंटर करेंगे, फिर आगे की प्लानिंग हम वहीं पर करेंगे जो भी हमें करना है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बंजार ब्रोस। खड़ा